हेलो दोस्तों, गोइंग टू राजगीर फ्रॉम पटना, पटना से राजगीर और राजगीर नालंदा, ये सब घूमेंगे। पटना से नालंदा जाएंगे, राजगीर जाएंगे और आज वेलकम टू राजगीर दोस्तों, आपका राजगीर में स्वागत है। तो आज हम लोग राजगीर में देखेंगे, बहुत ही शानदार जगह है ये, देखिए कितना अच्छा एकदम यहाँ खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ शानदार प्रकृति का नज़ारा है, चारों तरफ घना जंगल पहाड़ और ऊपर से ये मौसम बहुत अच्छी मौसम भी है। तो ये बहुत अच्छा समय है घूमने का, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक बहुत सही रहता है इधर जाने का घूमने का। तो ये नालंदा का जो राजगीर जो है बिहार के लिए बहुत ही सबसे फेमस जगह है बिहार का, और ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ जाने का बहुत ही सही समय होता है, और ऐसे मौसम में यहाँ का आनंद और भी एकदम बेहतर है। आज आप दोस्तों बिहार की खूबसूरती को देख करके आपका दिल बोल उठेगा, वाह बिहार, बिहार में इतनी खूबसूरत जगह राजगीर, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, माउंटेन और ये घोड़ा गाड़ी, क्या शानदार सफ़र रहा ये। आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। आज हम आपको दिखाएंगे सोनभद्र का किला, जो कि भारत में बिहार में स्थित राजगीर के पास है, और आखिर ये सोने का राज क्या है, आखिर ये एकदम सोने का भंडार है क्या, आखिर इस गुफे में है क्या, इस गुफे में कितने सोना है, इसे कैसे एकदम खोला जाएगा, इसे एकदम क्या एकदम कहानी है इसकी, आज हम लोग इस एपिसोड में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए अपने आपके अपने। देखिए, हर एक साम्राज्य जब परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ का शासक और जो पहले शासन कर रहा है वो अपना संस्कृति लाता है और यहाँ छोड़ता है, है ना। यहाँ देखिए सब डैमेज किया हुआ है, यही चीज होता है ना। जब कोई साम्राज्य खत्म होता है तो दूसरा जो आक्रमण करता है, शासन जो शासक है मतलब शासन करता है, तो अपना संस्कृति फैलाता है, अपने लोगों को ये करता है, बढ़ावा देता है, जैसे धर्म हो गया या जो भी कला संस्कृति है उसी का ये करता है, बस उसी का। तो अभी अभी मेरे को वो दम ये घोड़ा गाड़ी वाला बता रहा था, घोड़ा गाड़ी वाला ऐसा ही कुछ बता रहा था कि ये यहाँ मतलब ये कृष्ण और जी और उनका लड़ाई हुआ था, ये कृष्ण जी बोल रहा है भीम और ये हाँ भीम और जरासंध का दम, तो उनका पहिया का चक्का हाँ 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 वहाँ भी गए थे हाँ, तो वहाँ से फिर जो दम सोना जो दम मिला था वो दम यहाँ पे छुपाया गया था। खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की के ठीक सामने दीवार पे एक दरवाजे के निशान है, हम नहीं कहते हैं, अफवाह चला रहा है कुछ दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है, लंबी गुफा है, और इसी गुफा जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण लिए मर गए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षुओं के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसे 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे, तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले, उनके गुस्से में अजात शत्रु की माँ रानी सुभद्रा उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था इसके पीछे दरवाजे के पीछे एक तपस्वी जैन मुनि गौतम स्वामी को दान में दे दिए, वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले, अपनी साधना के बल पे वो दरवाजा को बंद कर डाले, चट्टान पे लगा डाले। जब अंग्रेज का राज आया सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसके अंदर में दीवार पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है, अफवाह चला रहा है कुछ लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी, उस लिपि का नाम है संख लिपि भाषा, क्योंकि भारतवर्ष में अनेक जगह लिपि मिली, आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए, वो लिपि इसलिए भी नहीं पढ़ा हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधि, ये 3 लाइब्रेरी 1199 में मोहम्मद अल्लाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले, 6 महीने तक लाइब्रेरी उसी लाइब्रेरी में संख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया, पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई, जस्ट लाइक अली बाबा चाली चोर, खुल सिमसिम बंद सिमसिम, उसी तरीका का कोड शब्द है। वो जो गुफा देखे 2 तल्ला था, 1934 की धरती कंपन में टूटा, जब उसकी पत्थर बाहर की गई तो उसके अंदर से एक चौमुखी गरुड़ रोहिणी
भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार नालंदा म्यूजियम रखे। दीवार पे जितने भी प्रतिमा दिख रहे हैं वो सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, से निशान महावीर स्वामी, सब खंडित प्रतिमा है। तो राजगीर पांच पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी पांच पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी, मगध नरेश राजा जरासंध। उसके बाद बिम्बिसर आए, बिम्बिसर का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए, तब से जगह खाली पड़ी। तो सामने वाली जंगला से तो लगाकर भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि वहां के भीतर अंदर फास्फोरस है और इसे होकर गंदा है। अगर इसे डायना मार्ग से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा। ये लिपि पढ़ाई हो चुकी है, ब्राह्मी संस्कृत पाली में मिक्स है। लिपि का अर्थ बताया गया 6th century BC में गौतम स्वामी ये दो गुफाओं का निर्माण कराए थे साधना तपस्या करने के लिए। इसके अंदर में पंच पर्वत, इसी पांच पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी, प्राचीन नाम गिरिवर्ज। तो यहीं से अंग्रेज लोग गोली मारे, ये तोप मारे थे नहीं, यहाँ से अंग्रेज लोग तोप मारे ताकि टूट जाए, लेकिन नहीं टूटा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on.